दोस्तों, क्या आप जानते हैं डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करने के बाद लॉस एंजलिस का एक आदमी सिर्फ 70 दिनों में मिलियनर बन चुका था। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या सच में डॉज कॉइन इतना प्रॉफिटेबल है? चलो तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। चलो तो जिनको पता नहीं है कि ये डॉज कॉइन क्या है, उनके लिए मैं बता देती हूँ। डॉज कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर ने 2013 में इंट्रोड्यूस की थी, जिनका मोटिव ये था कि कोई ऐसा पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करे जो कि इंस्टेंट और फन हो। आपको ये कुत्ता तो पता ही होगा जो कि इंटरनेट पर काफी वायरल मीम बन चुका है। तो इस डॉग का फेस फीचर करके उन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी का नाम डॉज कॉइन रख दिया। डॉज कॉइन 6 दिसंबर 2013 को इंट्रोड्यूस हुआ था और जल्द ही उसने अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी भी डेवलप कर दी थी। ये डिजिटल करेंसी रेडिट पर काफी ज्यादा फेमस हो गई थी, जहां वो एक ही टाइम पे $8 मिलियन का मार्केट वैल्यू जनरेट करते थे। सबसे पहले डॉज कॉइन अच्छे कंटेंट को टिप देने के लिए यूज होता था। लॉन्च होने के एक ही हफ्ते बाद डॉज कॉइन सेकंड मोस्ट टिप्ड करेंसी बन गया था और जनवरी 2014 तक डॉज कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। साथ ही जैसे कि बिटकॉइन का मैक्सिमम सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन कॉइंस है, वैसे डॉज कॉइन पर करंटली कोई भी लिमिट नहीं लगाया गया है। आज डॉज कॉइन के 117 बिलियन कॉइंस सर्कुलेट हो रहे हैं और उसमें से 113 बिलियन कॉइंस की माइनिंग हो चुकी है। डॉज कॉइन से जुड़ी एक कहानी ऐसी भी है कि क्रिएटर बिली मार्कस ने 2015 में होंडा की एक कार खरीदने के लिए अपने सारे डॉज कॉइंस बेच दिए थे। और अब आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि आज डॉज कॉइन का मार्केट कैप फेमस कार कंपनी होंडा मोटर से भी ज्यादा है। जी हाँ, जहाँ होंडा मोटर्स का मार्केट कैप है $54.52 बिलियन और वही डॉज कॉइन का मार्केट कैप है $86 बिलियन। क्यों, चौंक गए ना? जनवरी 2018 में डॉज कॉइन की प्राइस सिर्फ 60 पैसे थी और तब उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 बिलियन तक पहुँच गया था। लेकिन फिर भी तब ये क्रिप्टो करेंसी इतनी फेमस नहीं थी। लेकिन 2021 में इलॉन मस्क और गेमस्टॉप शॉर्ट स्क्वीज की वजह से डॉज कॉइन सिर्फ 24 घंटों में ही 800% से ऊपर चला गया था, यानी कि तब उसकी प्राइस हो गई थी ₹5.14। उसके बाद इलॉन मस्क जैसे जैसे ट्विटर एनकरेजमेंट बढ़ाते रहे, वैसे वैसे डॉज कॉइन की प्राइस बढ़ती ही जा रही थी, जहाँ फरवरी में उसकी प्राइस थी ₹5.87 और वही अप्रैल 2021 में थी ₹7.34। रिसेंटली 9 मई 2021 को इलॉन मस्क ने ये अनाउंस किया है कि SpaceX, जो कि उनकी रॉकेट स्पेस कंपनी है, वो अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में डॉज 1 मिशन टू द मून लॉन्च करने वाले हैं, जहां वो सबसे पहला स्पेस ट्रेवल करने वाले हैं और जिसका पेमेंट डॉज कॉइन क्रिप्टो करेंसी में एक्सेप्ट किया जाएगा। और उसके बाद तो डॉज कॉइन की प्राइस करीब ₹40.95 तक बढ़ गई है। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ही कम समय में डॉज कॉइन की प्राइस 26,000% से बढ़ रही है और शायद कुछ ही दिनों में $1 तक भी पहुंच जाएगी। तो अब आप सोच ही सकते हो कि डॉज कॉइन का फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है। रिसेंटली इलॉन मस्क से इंस्पायर होके लॉस एंजलिस के एक आदमी ने फरवरी 2021 में डॉज कॉइन में $180,000 इन्वेस्ट किए थे और उसके बाद सिर्फ 69 डेज में ही वो मिलियनर बन चुका था। जी हाँ, तो क्या आप भी अब डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।